नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्मचारियों का नंबर वन यूट्यूब चैनल डीजी हिमाचल। आइए बात करते हैं आज के लेटेस्ट अपडेट की। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। पे रिविजन मामलों की समीक्षा शुरू। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने वित्त विभाग को सौंपे ज्ञापन। कैबिनेट से पहले रिव्यू के बाद फैसले की उम्मीद। 6 सितंबर 2022 को राइडर के मामले में जारी पे फिक्सेशन रूल्स की संशोधित अधिसूचना की समीक्षा के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने इस बारे में छटनी के बाद ज्ञापन वित्त विभाग को सौंप दिए है। ये सीधा अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना को दिए गए हैं। कर्मचारी महासंघ चाहता है कि 28 सितंबर को कैबिनेट की बैठक से पहले इन ज्ञापन के ऊपर रिव्यू के बाद फैसला हो जाए। राज्य सरकार ने नए वेतन आयोग को लागू करने के लिए 1 जनवरी 2022 को अधिसूचना जारी की थी, लेकिन इन नियमों के बाद राइडर में फंसे कर्मचारियों को लाभ नहीं हो पा रहा था। इन्हें हायर ग्रेड पे का लाभ देने के लिए 6 सितंबर को संशोधित अधिसूचना जारी की गई, जिसमें 89 कैटेगरीज के लिए हायर ग्रेड पे का रास्ता खोला गया। लेकिन इनमें भी बहुत से कर्मचारी कैटेगरी का आरोप था कि उन्हें हायर ग्रेड पे का लाभ उस तरह से नहीं मिल रहा है जैसे मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री से कर्मचारियों के फील्ड दौरों के दौरान मिलना शुरू होने के बाद अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने ऐसे कर्मचारी संगठनों से ज्ञापन लेने के लिए 2 दिन का समय निर्धारित किया। इस अवधि में करीब 40 कैटेगरी के ज्ञापन महासंघ को मिले थे। इनमें से अधिकांश 2012 में लेफ्ट आउट कैटेगरी भी थी, जिन्हें फिलहाल अब तक कंसीडर नहीं किया गया है। लेकिन बाकी ज्ञापनों की स्क्रीनिंग के बाद महासंघ ने अब फाइनेंस सेक्रेटरी को इसे दे दिया है, और जल्द इन मामलों पर फैसले की उम्मीद है। हालांकि इससे पहले 28 को कैबिनेट की बैठक है, इससे पहले ये निर्णय हो पाता है या नहीं इस पर सबकी नजर है। वही कैबिनेट में केस लगाने को लेकर मारामारी। हिमाचल मंत्रिमंडल की 28 सितंबर को प्रस्तावित बैठक से पहले एजेंडा बनाने के लिए मारामारी शुरू हो गई है। अभी मीटिंग के कुछ दिन बाकी है, लेकिन वित्त विभाग में अभी से 36 एजेंडा पहुंच गए हैं। आउटसोर्स भर्ती पॉलिसी के साथ 4 लेन मुआवजे पर सरकार को फैसला लेना है। इसके अलावा कर्मचारियों के बहुत से मामले लंबित है, जिसमें कृषि विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज के कोर्ट कर्मचारियों को नया वेतन आयोग देने पर भी फैसला हो सकता है। इसी के साथ अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की कोशिश है कि पे रिविजन मामला भी 28 की कैबिनेट में लिया जाए, और उससे पहले कर्मचारियों के लिए इन मामलों पर कोई फैसला जरूर ले। वहीं राइडर को लेकर संशय बना हुआ है। जो कर्मचारी 3 जनवरी 2022 से पहले 2 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उन्हें राइडर का लाभ नहीं दिया गया है। वहीं पर जो कर्मचारी 3 जनवरी 2022 के बाद 2 वर्ष का नियमित सेवाकाल पूरा कर रहे हैं, केवल उन्हें ही राइडर का लाभ दिया जा रहा है। ऐसी असमंजस की स्थिति हिमाचल के सभी विभागों में बनी हुई है, जहाँ पर सही तरीके से राइडर का लाभ कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है। जबकि जो भी कर्मचारी 2016 के बाद जिन्हें नया पे स्केल मिला है, उन सभी को 2 वर्ष की नियमित सेवा काल के बाद राइडर का लाभ नहीं मिल पाया है।